आराम से बैठ के बातें करते हैं यहाँ दुकान में। अरे नहीं नहीं बावरी जी, यहाँ सेठ जी है, कस्टमर भी आते जाते रहते हैं, यहाँ नहीं। तो चलिए गोडाउन जाते। अरे नहीं, बहुत रिस्क है। मैंने आपके लिए इतना बड़ा रिस्क लिया यहाँ आकर, और आप मेरे लिए इतना सा रिस्क नहीं ले सकते। अरे लेकिन मैं सेठ जी को क्या बोलूं? कोई भी बहाना बना दीजिए। लेकिन सेठ जी नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानूंगा? वो फिर से छिकासी। नहीं नहीं वो ठीक है, तुम अभी मैडम को कहा सेठ जी नहीं मानेंगे तो क्या नहीं मानूंगा। वो सेठ जी मैडम कह रहे हैं कि उनको 25% डिस्काउंट चाहिए। मैडम 25% डिस्काउंट तो हम नहीं दे पाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखा मैंने कहा था ना, ओके क्या ओके, शांति जरा शांति। मैडम एक काम कीजिए, आपको पहले आप टीवी पसंद कर लीजिए, कौन सा टीवी आपको पसंद है, है? उसके बाद मैं देखता हूँ, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा आपको डिस्काउंट कर दूंगा, ठीक है? ओके। हाँ ऐसे होता है धंधा। अब चले कहाँ? गोडाउन में। अरे भौरी जी आप समझिए, मुझे सेठ जी को बताना पड़ेगा कि हम गोडाउन क्यों जा रहे हैं। 25% वाला बहाना अच्छा था, ऐसा ही कोई बहाना बना दीजिए। चलिए। सेठ जी, ये मैडम कह रहे हैं कि उनको अपने नए घर के लिए हमारी दुकान से सिर्फ टीवी नहीं खरीदना है, बल्कि जितने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं वो सब खरीदने हैं। अरे वाह! तो मैं ये सोच रहा था, यहाँ दुकान में तो क्या है, कस्टमर आते जाते रहेंगे, तो मैं मैडम को हमारे गोडाउन ले जाकर हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं उन सब के सैंपल दिखा दो। हाँ बढ़िया बढ़िया, अच्छा अच्छा ये आइडिया अच्छा है। आइए मैडम आइए। सॉरी भगे, इनको सब सैंपल एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से दिखा दे, और उनके लिए चाय पानी नाश्ता जो चाहिए मंगा लेना है। जी सेठ जी आइए मैडम। मोरनी बागा मा बोले आदि, आइए रात मा मोरनी। तो बागा ने आइए बोला, उसने गाइए सुना क्या, गाना शुरू कर दिया मोरनी। अरे बाप रे बावरी जी, मैं अभी घोड़ा लेके आता हूँ और आपका दुपट्टा उतार देता हूँ। पर सीढ़ी की क्या जरूरत है, ये बॉक्स पे चढ़ के उतारिए ना। नहीं नहीं बावरी जी, ये बॉक्स खाली है, अगर मैं इस पे चढ़ा तो बॉक्स पूरा दब जाएगा। रुकिए ना, वो दुपट्टा बाद में निकालते, पहले यहाँ आइए बैठिए। अरे नहीं इस पे नहीं बावरी जी, आप एक काम कीजिए यहाँ बैठिए। उसपे नहीं बावरी जी, ये भी कांच का है। नहीं नहीं वो सेठ जी की है, आप एक काम कीजिए आप यहाँ आइए, इस पे बैठिए आराम से बैठिए। आपको मेरा आइडिया कैसे लगा? एकदम मस्त आइडिया है बावरी जी, आप सेठ जी के सामने दुकान में आए, सेठ जी से बात की, मुझसे बात की, फिर भी सेठ जी को पता नहीं चला। वही तो, मैं हूँ ही इंटेलिजेंट, इसीलिए तो आपने मुझे पसंद किया है। और मैं तो आपके लिए एक और सरप्राइज भी लाई हूँ। अच्छा? आंखें बंद कीजिए। जी अब आंखें खोलिए। ये मूंगफली, आपको याद है हम समंदर किनारे बैठ के मूंगफली खाया करते थे? कितना मजा आता था। नहीं अब मैं रोज कस्टमर बन के आऊंगी और हम रोज ऐसे ही मिला करेंगे। हाँ बावरी जी, ऐसे तो सेठ जी कभी हमें पकड़ नहीं पाएंगे। हाँ, मजा आएगा। ये इतनी बड़ी कस्टमर को बागा के साथ भेज तो दिया है, जरा जाकर देखना पड़ेगा वो ठीक से उनकी खातिरदारी कर रहा है कि नहीं। लड्डू काका मैं जरा गोडाउन में जाकर आता हूँ। जी सेठ जी। अरे सेठ जी। हाँ बोल जाको। सेठ जी इस महीने का पैसा जरा जल्दी मिलेगा, मुझे गांव भेजना है। हाँ बता कितने। एक मिनट मैं भी डायरी में देख के बताता हूँ। हाँ बता बता। ये डायरी मैंने कहाँ रख दी है। अरे कोई बात नहीं, एक काम कर जग्गू, ये ना तू एक, ये 2000 रख
अरे नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा इतना नहीं हुआ होगा। अरे कोई बात है तो रख ना, गांव भेजना ना पैसा तुझे, जरा कभी बाद में ऐसा हम लोग समझ लेंगे, ठीक है? थैंक यू सेठ जी। अरे अरे कोई। चलिए बावरी जी, अब हमें चलना चाहिए। ये ना दो मिनट। बावरी जी बहुत लेट हो गया है। हेलो बावरी जी, मर गए, सेठ जी आ गए। कौन? तो सेठ जी ने आपको यहाँ देख लिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। गई बावरी जी, मेरी नौकरी गई, मेरी नौकरी गई। कहाँ से? मैं फिर से कस्टमर बन जाती हूँ। हाँ अरे लेकिन आपका दुपट्टा तो ऊपर है। अब क्या? अब आपकी आवाज कट रही है मैडम। अरे नहीं चाहिए को क्रेडिट कार्ड मैडम, रखो फोन। यार ये पागा, ये क्या क्या वो घना खम्मी मैडम का है? सर वो घनी खम्मा मैडम का है? वो गए गए ऑर्डर देके गए ना। ये क्या कर रहे हैं आप? बैठ जाइए आप, जल्दी बैठ जाइए भावरी जी। अरे हूँ क्या, ध्यान किधर है तेरा? मैं पूछ रहा हूँ ऑर्डर देके गए ना? नहीं। क्यों? उन्होंने कहा कि अपने हस्बैंड से बात करने के बाद फिर डिसाइड करेंगे। अरे बागा, उनको ऐसे नहीं जाने देना चाहिए था, मुझे बुला लेना चाहिए था। मेरी गलती होगी, तुझे कस्टमर के साथ या गोडाउन में भेजना ही नहीं चाहिए था, नुकसान करवा दिया ना। नहीं सेठ जी, उनको हमारी दुकान के सारे प्रोडक्ट्स पसंद आए हैं, खाली उन्होंने कहा है कि कल फाइनल करके बताएंगे। तो नहीं आए तो? नहीं नहीं आएंगे, आते ही रहेंगे। आते रहेंगे? हाँ, उनकी सहेली ने हमारी गडे इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत तारीफ की है ना। और सेठ जी, उनको हमारा गोडाउन भी बहुत अच्छा लगा। गोडाउन अच्छा लगा? हाँ, कह रहे थे वाह आपका गोडाउन कितना बड़ा है, यहाँ कितना सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान पड़ा है, कितनी सारी चॉइसेस है गोडाउन। और उन्होंने ये भी कहा कि गोडाउन में जो उनको प्रोडक्ट्स दिखा है वो आइडिया उन्हें बहुत अच्छा लगा। कह रहे थे यहाँ मस्त बैठ के शांति से बगैर कोई डिस्टरबेंस के सारे प्रोडक्ट्स देख पाए। अच्छा अच्छा, नहीं चलो बढ़िया। और ये बॉक्स ऐसे बीचों बीच क्यों रखा है? वो मैं उनको सारे प्रोडक्ट्स दिखा रहा था ना, बाकी के सब बॉक्सेस मैंने रख दिए, खाली ये रह गया है। हाँ ठीक है, ये भी रख दे साइड में। मैं रख दूंगा। रख दूंगा क्या भाई, चल मैं हाथ देता हूँ, दोनों मिलकर रख देते। चल नहीं 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 सेठ जी, आप इसे हाथ नहीं लगाएंगे। क्यों? आपको आदत नहीं है ना वजन उठाने की, अगर आपकी कमर में लचक आ गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ओ भाई, मैंने बोला मैं खाली हाथ देता हूँ, पूरा बॉक्स में अकेला उठाकर रखता हूँ ऐसा नहीं बोला। फिर भी सेठ जी आप रहने दीजिए ना, अभी मगन आता ही होगा डिलीवरी करके, उसके आते ही ये बॉक्स में और मगन मिलके साइड में रख देंगे। अरे भाई मगन कब आएगा तो कब रखेगा, चल ना हम दोनों मिलकर साइड में रख देते हैं भाई। चल। नहीं नहीं सेठ जी, अच्छा ऐसा है तो मैं अकेले रख देता हूँ। वो अकेला रख पाएगा? हाँ, धीरे धीरे धक्का मारते मारते वहां तक लेके जाऊंगा। ठीक है सेठ जी, आप एक दो तीन गिनिए ना। क्यों? क्योंकि तीन के बाद मैं धीरे धीरे धक्का मारूंगा। ओके ओके। सेठ जी आप पीछे घूमकर एक दो तीन गिनेंगे? क्यों? नहीं वो क्या है, आपके सामने काम करते हुए मैं थोड़ा कॉन्शियस हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? कॉन्शियस वो नहीं, हम अगर कोई काम कर रहे होते हैं और सामने वाला इंसान हमें बार बार घूरता है, मतलब देखता है,
तो हमारा ध्यान काम करने की बजाय उस इंसान पे बार बार जाता है, तो क्या है, काम बिगड़ जाता है। इसलिए कह रहा हूँ जरा घूम के एक दो तीन गिनेंगे प्लीज। ठीक है चल। नहीं सेठ जी, इस तरफ नहीं, इस तरफ घूमिए ना। तो इस तरफ क्या प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लेकिन इस तरफ घूम के गिनने में भी क्या प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है भाई चल गिनो। रेडी? हाँ मैं रेडी हूँ भाई। हाँ तो गिनिए। एक दो तीन। हो गया? हो गया सेठ जी। अरे वाह एकदम। ये क्या? ये मूंगफली के छिलके यहाँ कहाँ से आए? मर गए, पकड़े गए, अब इससे कैसे बचूं? तू खा रहा था? अरे तुझे क्या कान में प्रॉब्लम हो गया है? ये देख कुछ भी बोलो हैं 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 कर रहा है। एक काम कर भाई, किसी अच्छा TNT डॉक्टर को दिखा। TNT नहीं सेठ जी, ENT डॉक्टर होता है, मतलब आईज नोज और थ्रोट, आंख नाक और गले का डॉक्टर। तो कान कहाँ गए? मैंने तो तेरे कान ही दिखाने हैं भाई, वो तो इसमें आया ही नहीं। सॉरी 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 सेठ जी, ENT मतलब ईयर नोज एंड थ्रोट, हाँ कान नाक और गले का डॉक्टर। हाँ तो अच्छे से ओ ENT डॉक्टर को दिखा। हाँ और बता भाई क्या प्रॉब्लम है, बार बार हैं 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 कर रहा है तू। सेठ जी मुझे कान के डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ फर्स्ट क्लास सुनाई देता है। तो बार बार हूँ क्यों कर रहा है? मैं सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था सेठ जी कि गोडाउन में मूंगफली के छिलके आए कहाँ से। हाँ सेठ जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि चूहे ने मूंगफली खाई हो? ए, ए, भाई ए, तू कहना क्या चाहता है, गोडाउन में चूहा है? लग तो ऐसे ही रहा है। अरे भाई यहाँ लाखों का माल पड़ा है, अगर चूहे ने कोई वायर वायर कुतर दिया तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। देख भाई देख, कहीं उसने किसी वायर वायर को कुतर तो नहीं दिया? नहीं 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 कुतरे सेठ। अरे खड़े खड़े नहीं नहीं नहीं, नहीं कुतरे, क्या कर रहे हैं भाई, देख तो सही। सेठ जी देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या है सेठ जी, कोई भी वायर कुतरने के लिए सबसे पहले उसे बॉक्स के अंदर जाना पड़ेगा, और बॉक्स के अंदर जाने के लिए सबसे पहले उसे बॉक्स कुतरना पड़ेगा, और देखिए एक भी बॉक्स कुतरा हुआ नहीं है। नहीं नहीं फिर भी मैं कोई रिक्स नहीं लेना चाहता हूँ भाई, तो आज के आज वो पेट्स क्रंटोल वाले को बुला और वो सब दवा बेवा छिड़कवा दे भाई। जी जी सेठ जी। चल मैं दुकान जा रहा हूँ। जी। अरे एक मिनट, ऐसा कैसा चूहा है जो मूंगफली को ऐसे व्यवस्थित खोलता है, फिर उसके अंदर से दाने निकल के खाता है? तो फिर वहां पे आ गया। सोच रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं उस बारे में सोच रहा हूँ। नहीं दोस्त, ये किसी चूहे का काम नहीं है। तो ये किसी खिसकोली का काम है। खिसकोली? खिसकोली वो गिलहरी, वो ऐसे फूल फूल के खाती है ना। हाँ बराबर है बराबर है। अरे क्या बराबर बराबर, यहाँ आसपास खिसकोली कहाँ है? नहीं है ना, हमारे गोडाउन के बाहर एक बहुत बड़ा पेड़ है, एक बार मैंने वहाँ तीन तीन खिसकोली देखी थी। अच्छा? हाँ। तो खिसकोली ही होगी। वो तो वायर वायर नहीं कुतरती ना। नहीं फिर तो कोई टेंशन नहीं है, फिर भी जरा देखना भाई वो आने ना पाए अंदर है। चल मैं दुकान जा रहा हूँ। जी एक मिनट, अब क्या हुआ, यहाँ तो बहुत सारे छिलके हैं। तो
ये तो खिसको लेके आ, एक थैली में बहुत सारी मूंगफली भर के कंधे पैसे थैली लटका के इधर आई होगी, फिर इधर थैली खाली करके एक 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 वो फोल के फिर एक एक दाना खाया होगा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, ये खिसकोली का भी काम नहीं है बाबा, ये कोई और ही है। तहकीकात करनी पड़ेगी किसने यहाँ बैठ के ये मूंगफली खाई है। सोचता हूँ कुछ है? मतलब पता लगाता हूँ ये मूंगफली के छिलके यहाँ कैसे आए वो पता लगाता हूँ। हाँ लगा लगा पता लगा। आप जाइए। हाँ दुकान दुकान ही जा रहे थे ना। हाँ हाँ अच्छा तू भी चल। नहीं आप जाइए मैं ये सब साफ करके आता हूँ। हाँ ठीक है। आश, बच गए। बच गए। अरे बच गए नहीं बाहुरी जी, बाल बाल बच गए। अगर सेठ जी ने आज आपको देख लिया होता तो आज के बाद मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कभी नहीं देख पाता। लेकिन देखा तो नहीं ना। बाहुरी जी प्लीज आप ऐसा रिस्क मत लीजिए। इसमें रिस्क क्या है, मुझे तो मजा आ रहा है, मैं कल भी आऊंगी। अरे क्यों? आपको पता है ना बागेश्वर जी, जब भी कोई मुझे कोई काम करने से मना करता है तो काम करने की इच्छा मेरी डबल हो जाती है। बाहुरी जी प्लीज। कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए, चलो मैं चलती हूँ। अरे रुकिए, पहले आप नहीं पहले मैं जाता हूँ। अरे टेंशन मत लीजिए, मैं छुप कर चली जाऊंगी, पेठालाल जी मुझे नहीं देख पाएंगे। अरे रुकिए एक मिनट, आपका दुपट्टा तो लेते जाइए। रुकिए एक मिनट। ये लीजिए। उड़ा दीजिए ना। अरे भाभी जी जाइए जाइए। हाँ भाई क्या हुआ? किसका? मूंगफली का। पता चला किसने खाई थी? गिलहरी। गिलहरी थी। तू इतना यकीन से कैसे कह सकता? मुझे मिली ना गिलहरी। आपके जाने के बाद वो बाहर आई, गोडाउन में छुपी थी। अच्छा तो मिली तो फिर कुछ बोली? वो नहीं बोली लेकिन मैं उसे बहुत बोला। अच्छा क्या? खबरदार आज के बाद अगर गोडाउन में आई है तो बस। फिर वो बोली एक गलती कर दी आपने, मुझे गोडाउन में आने से मना कर दिया, अब तो मैं गोडाउन में आऊंगी ही आऊंगी। Strangely interesting. Talking squirrel. I never heard about this type of species. Species? Species. Prajati. तो प्रजाति का क्या? मैं ये कह रहा था कि गिलहरी की ऐसी प्रजाति न मैंने देखी है न सुनी है। अरे क्या नटू काका आप भी, अरे कहता भी दीवाना ना सुनता भी दीवाना। अरे ऐसी कोई प्रजाति थोड़ी होती है, वो मजाक कर रहा है। चल भाई चल सच सच बता किसने खाई थी मूंगफली। सच बताऊं सेठ जी, मैंने बहुत पता लगाने की कोशिश की लेकिन पता नहीं चला। अरे तो पहले सीधा सीधा बोलना चाहिए ना कुछ पता नहीं चला। ये सब गिलहरी मिली ने उसको बहुत सुनाया ने उसके बाद वो बोली ने, ये सब टाइम पास करने की क्या जरूरत थी? सॉरी सेठ जी लेकिन मुझे लगा आपके साथ थोड़ा हंसी मजाक करके आपका दिल बहलाऊं। बागा बॉय ये कोई टाइम है दिल बहलाने का? ये दुकान बढ़ाने का टाइम है बराबर ना सेठ जी? तो दुकान बढ़ाए? हाँ बढ़ाओ बढ़ाओ। चल बागा आगे बढ़ो। आज रात को बावरी जी को बता देना पड़ेगा, आप मेरी बात मानिए और दुकान मत आइए। आपके आने से मेरी धड़कनें बढ़ जाती हैं, प्यार वाली धड़कनें नहीं डर वाली धड़कनें। ये आपको दिल की धड़कन सुनाई दे रही है ना? ये बागा की दिल की धड़कन है और ये प्यार के वजह से नहीं बढ़ी है, ये डर के वजह से बढ़ी है।
टेंशन तो इतना बढ़ गया था कि कभी भी बम फट सकता था। अगर जेठालाल ने बाबरी को पकड़ लिया होता तो बागा की नौकरी तो चली जाती। जितना मुश्किल ऊंची रस्सी पे चलना है उतना ही मुश्किल बागा के लिए प्यार की डोर पे चलना। बाबरी जिस खेल को आसान समझ रही थी ना वो इतना आसान नहीं, इसलिए बागा ने तय किया कि अब वो बाबरी को दुकान में आने से मना कर दे। क्या लगता है क्या बाबरी इस बात के लिए मान जाएगी? क्या बागा बाबरी को इस बात के लिए मना पाएगा? ये तो आपको कल के एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले एक विशेष बात, दर्शकों आज रामनवमी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम और हमारे शो के सर्जक श्री असित कुमार मोदी जी की तरफ से आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम गोकुल धाम वासियों ने रामनवमी कैसे मनाई ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूले तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.